మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. आज मैं वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूं. तो ये प्रश्न है क्रमशः, पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विटिकर किंगडम प्लॉन्टी इंक्लूड्स ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. दूसरा विकल्प सही है. दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन. इसका तीसरा विकल्प सही है, हिप्नोस्पोर एंड एकाइनिड्स. तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एल्गी. इम्ब्रियो, इम्ब्रियो एल्गी के अंतर्गत नहीं बनता है. क्लेडोफोरा आइसोगैमेट्स आर बाईफ्लैजेलेटेड. क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट्स बाईफ्लैजेलेटेड प्रकार के होते हैं. अगला प्रश्न है, कोइनोबियम इज द कॉलोनी ऑफ, यह कोइनोबियम इज द कॉलोनी ऑफ, यह प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न है. पांचवा प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा, यह बॉलवॉक्स. अगला प्रश्न है, हिमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन छठवां प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा, यह है एस्टेबुलेरिया. इसके ऊपर हिमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. अगला प्रश्न है, आयरिस मॉस इज यूज टू ऑप्टेन, यह सातवां प्रश्न है. सातवां प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा, कैरागेनिन, यह हमको प्राप्त होता है. ट्रू इलेटर्स एंड गैमी आर कंसर्न्ड विथ, ये प्रश्न आप देख रहे हैं. ट्रू इलेटर्स एंड गैमी आर कंसर्न्ड विथ, इसका दूसरा विकल्प सही होगा, मर्केंसिया. द स्पोरोसाइट ऑफ मॉस इज, ये नवा प्रश्न का भी दूसरा विकल्प सही होगा, सेमी पैरासाइट. ये मॉस का स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद, यह अर्ध परजीवी होता है, अर्थात यह गैमेटोफाइट के ऊपर होता है, डिपेंड करता है, उससे जल को लेता है और स्वतः खाद्य पदार्थों का निर्माण करता है. दसवां प्रश्न है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द सेल लाइफ साइकिल. तो ये प्रश्न है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये दसवां प्रश्न है. इसका दूसरा विकल्प सही होगा स्टूडेंट, टेडोफाइटा में इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यूनिक. ग्यारहवां प्रश्न है, ये आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्न स्प्रीड्स वेरी फास्ट बाय मीन्स ऑफ लीफ टिप. ग्यारहवें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, ये आप देख रहे हैं ग्यारहवें प्रश्न का तीसरा विकल्प है एडिएटनम. ये बारहवां प्रश्न है, द फंक्शनल मेगा स्पोर ऑफ जिम्नोस्पर्म जर्मिनेट. बारहवां प्रश्न का भी दूसरा विकल्प सही है, इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम. तेरहवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेंबर्स है वेसल्स इन जाइलम एक्सपेंशनली. ये तेरहवां प्रश्न है, तेरहवें का तीसरा विकल्प सही होगा, नीटेल्स. चौदहवां प्रश्न है, ए प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो राइजॉइड्स एंड इज हैप्लोइड, इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमेट्स आर मोटाइल. आइडेंटिफाई द ग्रुप टू विच इट बिलोंग टू. ये आप देख रहे हैं चौदहवां प्रश्न है, इसका पहला विकल्प सही होगा, ब्रायोफाइटा में. पंद्रहवां प्रश्न है, होल्ड फास्ट स्टिप एंड फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूएंट्स द प्लांट बॉडी. पंद्रहवें प्रश्न में यह दूसरा विकल्प सही होगा, फियोफाइसी. फियोफाइसी कुल में होता है.
और लास्ट 16वां प्रश्न है, प्रोटोनिमा एंड प्रोथैलस आर रिस्पेक्टिवली, इसका चौथा विकल्प सही होगा, हेप्लोइड एंड हेप्लोइड। तो ये स्टूडेंट क्रमशः प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है जो इंटरमीडिएट CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और BSC स्टूडेंट्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार कर लें ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में या यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आने पर आप इसको सही सही हल कर सकें। धन्यवाद।